दोस्तों आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच आईपीएल का 48वां मैच खेला जाएगा। तो ऐसे में ही दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों पहले बात करें, ये दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच यहाँ पर हार कर आ रही हैं। हालांकि इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन इस आईपीएल में कमाल का रहा है, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जीता हुआ हार गई थी। ऐसे में ये दोनों टीमें इस मैच को जीतकर अपनी लय को प्राप्त करना चाहेंगी और दोस्तों ऐसे में इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में 4 मैच खेले गए हैं और 4 में से 3 बार गुजरात को जीत हाथ लगी है, तो राजस्थान केवल 1 मैच जीत पाया है। लेकिन जब इस साल ही इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया था तो उस मैच को राजस्थान ने 3 विकेटों से जीत लिया था। ऐसे में दोस्तों यहां पर राजस्थान का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जहां राजस्थान को पिछले मैच में मुंबई के सामने आखिरी ओवर में टीम डेविड ने 3 छक्के लगाकर राजस्थान को हराया था, तो दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या दिल्ली के सामने एक लो स्कोरिंग मैच में गुजरात को जीत नहीं दिलवा पाए थे। ऐसे में दोनों ही टीम को बड़े झटके लगे हैं। ऐसे में इन दोनों ही टीमों ने पॉइंट टेबल में अब तक 9-9 मैच खेले हैं, जहां गुजरात ने 9 में से 6 में जीत हासिल करी है और उनके 12 पॉइंट है, तो दूसरी तरफ राजस्थान ने 9 में से 5 मैच जीते हैं और उनके 10 पॉइंट है। ऐसे में अगर राजस्थान की टीम आज का मैच जीतती है तो वो पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर पहुंच जाएगी और इस वजह से ये दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए सबसे ज्यादा उतावली होंगी। जहां दोस्तों गुजरात की टीम ये मैच जीतती है तो उनकी क्वालिफिकेशन लगभग पूरी पक्की हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों इन दोनों ही टीमों के बीच आज का ये बड़ा मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा और दोस्तों ये मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं दोस्तों अब बात कर ले इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो पहले बात कर ले गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए वृद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल नजर आएंगे, तो मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर, कप्तान हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तिवतिया और राशिद खान मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, तो गेंदबाजी में जोशुआ लिटिल, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और नूर अहमद गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए जॉस पटलर के साथ ये जयस्वी जायसवाल नजर आएंगे, तो मिडिल ऑर्डर में कप्तान संजू सैमसन, देवदत्त पाड़ीकल, सिमरन हिडमायर, ध्रुव जरेल और रविचंद्रन अश्विन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो दोस्तों गेंदबाजी में 8वें नंबर पर जेसन होल्डर या ओबिट मकॉय में से कोई एक गेंदबाज इस मैच में खेलेगा। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे और दोस्तों आज के इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आज कुछ इस तरह दिखाई देगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, आज का बड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।